It was at this moment that he knew. He fucked up. और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ, कोहरा ही कोहरा है भाई। 100-200 ज्यादा ले ले, लेकिन लैंड करा दे। कैसी है अपनी जनता, उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी। तो भाई लोग, इस वीडियो में हम एशिया चैंपियनशिप के फाइनल्स के मैचेस पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि कहां कहां हमने गलतियां की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप भी सब्सक्राइब कर दो यार, कोई करता ही नहीं है। फर्स्ट मैच हुआ बरमूडा पर। टीम लीड को हमेशा की तरह ही केप टाउन पर जाना तो था, बट प्लेन पास वेस्टर्न साइड से गया तो टीम लीड को मुश्किलें हुई वहां पहुंचने में। अब यहां बैकग्राउंड में लीड के माइंड में चल रहा होगा कि अरे यार, पहले मैच में इतनी दूर से प्लेन जा रहा है, कोई मिल ना जाए रास्ते में, बेकार ना चला जाए मैच। तो जो इंटरनेशनल इवेंट का नेचुरल प्रेशर था वो बढ़ना शुरू हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ स्टार्टिंग से ही आपको परेशान करने लगती हैं। फिर लीड के पास ऑप्शन था पीक के ऊपर की साइड लूट के वहाँ से कंटिन्यू करें, बट उन्हें लगा यहाँ कुछ नया नहीं करते हैं, केप टाउन ही चलते हैं। केप टाउन में लूट करी और वहाँ से रोटेट किया। अब पीछे से हैवी केप टाउन में एंटर हुई एंड मे बी वो पहले से ही सोच के आए हो कि लूट करने के बाद एलीट को टारगेट करेंगे, बट एलीट वहां से निकल गई थी तो वो फाइट तो हमें देखने को नहीं मिली। इसके बाद पीक पे बीटीएस के सिंगल प्लेयर को इजीली वाइप आउट किया जा सकता था, बट जो स्टार्टिंग से अपोजिट सिचुएशन बनती जा रही थी उसके बाद ये डिसाइड करना कि हाँ चलो रश करते हैं, इस पे फैसला लेना काफ़ी मुश्किल था। और जब तक ये सोचते, इतने में BTS का प्लेयर अपनी बाइक उठा के वहाँ से निकल गया। फिर इसके बाद टीम में फिर से इस बारे में डिस्कशन हुआ होगा कि वो बच के निकल गया और इसके तुरंत बाद नेक्स्ट जोन बनता है और जोन ने भी धोखा दे दिया। फिर यहाँ से अपने अंदर फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होती है कि अबे यार, फिर इतनी दूर जोन बन गया। टीम लीड ने इसके बाद जोन की तरफ रोटेट किया और एक ऐसा मोमेंट सामने था जहाँ से एलीट ड्राइविंग सीट में आ सकती थी और पहले ही मैच में गजब का कॉन्फिडेंस आ जाता। ई अरीना और BTS की फाइट हो रही थी और एलीट पीछे से आ गई। एक परफेक्ट कंडीशन थी थर्ड पार्टी करने की, बट एलीट ने काफी लेट रिएक्ट किया जिससे BTS ने फॉल बैक कर लिया और ई अरीना का रश एलीट की तरफ शिफ्ट हो गया। जो फाइट एलीट इजी सोच रही थी वो फेस टू फेस हो गई लेट रिएक्शन की वजह से, तो इसने भी टीम पर प्रेशर क्रिएट किया। एंड इसके बाद जब ई अरीना ने रश किया तो एलीट जल्दी से उस कंडीशन से निकलना चाहती थी। नॉर्मल फाइट हुई बट होयसंग ने पीछे से रोटेट किया और आइकॉनिक को नॉक कर दिया। अब जैसे ही आइकॉनिक को पता चला कि एक प्लेयर पीछे है तो उसकी एक कॉल देनी चाहिए पूरी टीम को। उस टाइम सिर्फ किलर बचे थे तो किलर को इन्फो देनी चाहिए थी, बट जिस तरह से किलर वहाँ हील कर रहा था बिना पीछे ध्यान दिए, या तो आइकॉनिक ने उस प्रेशर में कॉल दी ही नहीं, या तो किलर का माइंड इन सब फाइट में इतना बिजी हो गया कि उसने ये कॉल प्रोसेस ही नहीं की, मतलब ध्यान ही नहीं दिया कि ऐसा कुछ बोला गया है। अब तुम देखोगे इंटरनेशनल टीम्स की तरफ तो उनकी 4v4 में एक सिंपल स्ट्रेटजी रही है कि तीन प्लेयर सामने से अटैक करेंगे और एक प्लेयर घूम के पीछे चला जाएगा, और जब तुम इस स्ट्रेटजी को डिकोड नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम होती है। एलीट इस मैच में 10th पोजीशन पर वाइप आउट हुई, लेकिन उसकी वजह सिर्फ ई अरीना के साथ फाइट नहीं थी। सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए जो उनके अपोजिट गए, जिसकी वजह से एलीट की डिसीजन मेकिंग स्किल अफेक्ट हुई। ऐसे स्टेज पे खेलने के लिए जो फायर पावर चाहिए होती है वो ऑलरेडी है टीम्स के पास, बट ऐसे स्टेज पर आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तभी आप आगे के डिसीजंस इजीली ले पाओगे। इस मैच का मैंने ये अपना पर्सपेक्टिव दिया है कि किस तरह से चीजें हुई होंगी, बट हो सकता है कि सिचुएशन और भी अलग हो। सेकंड मैच हुआ कालारी पर। एलीट इजीली काउंसिल हॉल पहुंच गई और कोई क्लैश लैंडिंग भी नहीं हुई। अब सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग होने के बाद एलीट ने रोटेट किया और जैसा रोटेशन एलीट ने लिया वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। एलीट काफ़ी बार जोन के बाहर ही फाइट्स में इंगेज होती है और कोई दूसरी टीम इसका फ़ायदा उठा जाती है। एलीट के पास इजी रोटेशन अवेलेबल था, बट मे बी वो पिछले मैच की लीड को कवर अप करने गए हो सेंटा कैटरीना की साइड। अब पहले आइकॉनिक नॉक फिनिश हुए और गन साउंड्स आएंगी तो जोन के बाहर और टीम्स भी रुक जाती है थर्ड पार्टी करने, जो हैवी ने किया भी। RDP और क्लैन ने रश किया और RDP नॉक हुए। उसके बाद हैवी ने लगातार हॉटशॉट पे शॉट्स लिए जिस वजह से किलर वहां से निकलने में तो कामयाब रहे, बट हैवी की नज़र थी। पहाड़ी ने व्हीकल से ट्राई किया बट सामने से कौन जाने देगा आपको।
किलर ने एक बढ़िया शॉट लिया किम चैन पर, बट एट लास्ट उन्हें भी फिनिश किया गया। एलीट के पिछले 6 महीने के मैचेस उठा के देखो और तुम्हें एक चीज कॉमन मिलेगी कि ये जोन के बाहर ही फाइट्स में एंगेज रहते हैं और फिर या तो जोन से वाइप आउट हो जाते हैं या कोई थर्ड पार्टी करने आ जाता है। इस चीज पर एलीट को सीरियसली वर्क करना चाहिए, तभी वो अपने प्लान्स को भी सही से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। एलीट को अगर HS को टारगेट करना था तो थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, उन्होंने लेट किया रश करने में। थर्ड मैच हुआ परगेटरी पर और यह मैच हमारे लिए काफी बुरा साबित हुआ। उतरते ही ब्लैक के साथ फाइट में इंगेज हो गए। एलीट ने फाइट की स्टार्टिंग बढ़िया की, पहाड़ी तुरंत एक फ्लैंक एंगल पे गए और ये एक मास्टर मूव हो सकता था अगर उसके बाद की फाइट को कोऑर्डिनेटेड तरीके से लड़ा जाता। आइकॉनिक और RDP ब्लैक के सामने वाले कंपाउंड में थे जबकि किलर पीछे कंपाउंड में। एक प्लेयर ने इन्हें व्हीकल से डिस्ट्रैक्ट किया और ये हो भी गए। जब सेम चीज पहाड़ी ने करने की कोशिश की तो प्लेयर ने कंपाउंड का सहारा लिया और वो नॉक नहीं हुए। पहली बात तो जब पहाड़ी के पास इतना अच्छा फ्लैंक एंगल था तो इन्हें व्हीकल का यूज नहीं करना चाहिए था। सेकंड, किलर को आइकॉनिक और RDP के साथ होना चाहिए था। इसके बाद जब आपको एक साइड से कवर मिल रहा है तो उस साइड से रश करो ताकि पहाड़ी दूसरी तरफ से कवर दे पाए। ऑलमोस्ट फंसा लिया था एलीट ने ब्लैक को, बट अचानक से सबने अपनी पोजीशन छोड़ी और अलग अलग फाइट्स लेने लग गए, जिसका खामियाजा हमें 12th पोजीशन पर वाइप आउट होके उठाना पड़ा। अब मैं तो ये पता नहीं लगा पाया, बट अगर तुम्हें पता हो तो बताओ कमेंट्स में कि ऐसा उस समय क्या हुआ कि एलीट ने इतनी अच्छी पोजीशन को छोड़ के अकेले अकेले फाइट लेने का फैसला किया। क्या ये एलीट की कोई नई स्ट्रेटेजी थी या उन्होंने चौक किया और कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाए। फोर्थ मैच हुआ बरमुडा पर और प्लेन पास फर्स्ट मैच की तरह ही था, तो टीम एलीट इस बार पीक पे ना सिर्फ उतरी बल्कि लूट भी की और इसका बेनिफिट भी मिला एलीट को एट दी एंड, बिकॉज ब्लैक उनसे पहले ही केप टाउन पहुंच गई थी और लूट स्टार्ट कर दी। अगर एलीट बिना लूट किए जाती तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। एलीट ने केप टाउन की ओर रुक किया और खुद को बैक भी किया कि हाँ हमारा ड्रॉप है वो और हम मार सकते हैं किसी को भी वहाँ। लेकिन यहाँ भी फाइट डिले हुई काफी देर तक, बट किलर ने अपनी टीम को ओपनिंग दी और उसके बाद एक और नॉक किया। ब्लैक ने हमारे भी नॉक निकाले, बट टीम का बैकअप उस समय अच्छा था कि कोई फिनिश नहीं हुआ। किलर के 3 किल की वजह से हमने आसानी से ब्लैक को वाइप आउट कर दिया, बट गनशॉट सुन के हैवी भी केप टाउन की तरफ आ गई। ब्लैक के साथ फाइट में चारों प्लेयर साथ में कोऑर्डिनेटेड तरीके से फाइट ले रहे थे, बट हैवी के साथ फाइट सही से हुई नहीं। RDP अलग थे और पहाड़ी अलग, यहाँ तक कि आइकॉनिक और किलर भी अलग थे। दोनों ने वहाँ पेशेंस दिखाए, नहीं तो हम काफी पहले ही वाइप आउट हो जाते। सबको ये समझना होगा कि ये एक टीम गेम है। कभी कभी कोई प्लेयर कर देता है 1v4, बट गेम 1v4 के लिए नहीं 4v4 के लिए बना है। बट अगर आप 1v4 के हिसाब से खेलोगे तो नुकसान तो होगा ही और एलीट को नुकसान सहना पड़ा। इसके बाद किलर और आइकॉनिक रीयूनाइट हुए, बट उसके बाद दोनों फिर से स्प्लिट खेलने लगे। इसके पीछे की सोच या तो ये होगी कि अगर किसी ने रश कर दिया या कहीं फंस गए तो दोनों फिनिश हो जाएंगे, इससे अच्छी पोजीशन नहीं आ पाएगी। सेकंड, या तो जोन की वजह से ऐसा क्या होगा कि अगर जोन दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया तो एटलीस्ट हमारा एक प्लेयर तो जोन में पहुंच जाएगा। बट क्लियर नॉक फिनिश हो गए। आइकॉनिक ने लास्ट में काफी बढ़िया गेम दिखाया, नेट्स का भी बढ़िया यूज किया और टीम को थर्ड पोजीशन दिलाई। बट आई थिंक उस जगह किलर आइकॉनिक के साथ होते तो हम सेकंड पोजीशन तक भी पहुंच सकते थे। आप कोई भी मैच की कोई भी फाइट ले लो, 4v4 आप हार रहे हो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप 4v4 नहीं 1v4 फाइट ले रहे हो। जहां भी एलीट एक साथ फाइट लेती है कोऑर्डिनेटेड तरीके से तो वह आसानी से जीत जाती है। ये एक मिस्टेक ना सिर्फ एलीट की बल्कि काफी सारी इंडियन टीम्स की रही है और इससे एक बैकअप लेके चलने की इम्पोर्टेंस उन्हें समझ आनी चाहिए। फिफ्थ मैच हुआ कालाहारी पर, एलीट अपने नॉर्मल ड्रॉप पे गई और वहां उन्हें टारगेट करने हॉटशॉट भी आ गई। हासु को नॉक करते ही आइकॉनिक दूसरे एंगल पे पहुंच गए बिना स्काउट किए कि हॉटशॉट के और प्लेयर्स कहाँ हैं। जब आप सामने वाली टीम का नॉक निकालते हो और डिसाइड हो जाता है कि हम रश करेंगे तो अप्रोच क्लियर होना चाहिए कि अपने रशर्स को भेजो, सपोर्टर पीछे से कवर देंगे। बट इस केस में ना तो किलर आगे था ना ही RDP। आइकॉनिक बीच में फंस के नॉक हुए और उसके बाद पहाड़ी ओर चले गए बीच में। यहाँ आना तो किलर या RDP को चाहिए था, बट यार टीम का कुछ मैनेजमेंट ही नहीं था कि कौन आगे जाएगा, किसका पर्टिकुलर रोल होगा और अगर कोई रोल भूलता है तो ये IGL का काम होता है कि पुश करे प्लेयर्स को। लाइक सपोज इस कंडीशन में मुझे रश करना है
तो मेरी कॉल होगी कि मैं फ्लैंक के लिए जाता हूँ, किलर आरडीपी आगे रश करो और पहाड़ी बैकअप दे, जिससे रशर्स बिना किसी प्रॉब्लम के आगे तक पहुँच पाए। बट जो टीम का कॉम्बिनेशन था वो अचानक से बिगड़ गया और फाइट की साउंड सुन के इवोस भी आ गई थर्ड पार्टी करने के लिए। किलर एचएस के बीच फंस गए, एक नॉक निकाला बट किल नहीं मिला। इसके बाद इस फाइट का मजा इवोस ने उठाया, आरडीपी ने फॉल बैक तो किया बट जीपीएक्स ने उन्हें भी वाइप आउट कर दिया। एंड एक बार फिर हमें देखने को मिला कि लीड ने स्प्लिट फाइट ली, ना तो एक साथ थे, ना ही 2-2 या 3-1 फॉर्मेशन में थे, सब प्लेयर्स अपना अलग खेल रहे थे। इससे कैसे हम ट्रेड लेंगे, टीम एकजुट होकर लड़ती तो यहाँ हॉटशॉट और इवोस दोनों को वाइप आउट कर देती। बट चारों प्लेयर्स को बांध के रखना ना सिर्फ इलीट बल्कि काफी सारी इंडियन टीम्स की प्रॉब्लम रही है, एंड आई होप जल्दी ये रिजोल्व हो जाए। 6 मैच हुआ परगेटरी पर, इलीट इसकी लोच पे गई और वहां उन्हें मस्त लूट भी मिली होगी। अभी तक इलीट नॉर्मली रोटेट कर रही थी और मे भी सोच रही होगी कौन सा कंपाउंड जाके होल्ड करे, बट उसके बाद उन्होंने इवोस और ब्लैक की फाइट देखी तो थर्ड पार्टी करने पहुंच गए। इवोस ने फॉल बैक करने की कोशिश की बट एलीट ने 2 किल सिक्योर कर लिए। इसके बाद एलीट एक बढ़िया पोजीशन में थी, अकेली टीम थी जो सर्कल के अंदर थी, अब यहाँ से कैपिटलाइज करना था, बट पीछे से आ रही इयरिना को काफी क्लोज आने दिया और आइकॉनिक नॉक फिनिश हो गए। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, एक दो प्लेयर हो जाते हैं फिनिश, दिक्कत हुई उस कंपाउंड से निकलने में। इलीट ने काफी डिले कर दिया हिल क्लाइंब करने में, अगर थोड़ा पहले किया होता तो जीपीएक्स से जो उन्हें शॉट्स पड़े वो नहीं पड़ते, बिकॉज उस समय जीपीएक्स भी ऊपर की तरफ आ रही थी और अगर समय रहते ये लोग हिल क्लाइंब कर लेते तो एक इजी भुया होता टीम इलीट के लिए। जरा सा डिले की वजह से हैवी और जीपीएक्स दोनों ने फायर किया और लीड थर्ड पोजीशन पर वाइप आउट हो गई। अब इसके बाद 7th मैच कालाहारी पर हुआ, जिसमें टीम इलीट ने इन सब गलतियों को ठीक करा, 4v4 फाइट को कोऑर्डिनेटेड तरीके से लड़ा और बुइया किया। उस बुइया की एनालिसिस ऑलरेडी चैनल पर है, एड स्क्रीन पे लगा दूंगा, देख लेना। सो गाइस, मैंने अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें एक पर्सपेक्टिव दिया है कि टीम कब और कहां प्रेशर फील करती है और कहां कहां कैसे गलतियां करती है। आप लोग अपने ओपिनियन भी कमेंट में शेयर कर देना, एंड हाँ, जितना कोऑर्डिनेशन लाइव चैट में कर रहे थे लोग 600 के वाचिंग के लिए, उतना तो एचक्यू ईस्पोर्ट्स का भी नहीं था। और गाइस, तुम्हें थोड़ी सी वॉइस चेंज लग रही होगी बिकॉज मुझे कोल्ड एंड कफ हो चुका है, मैं प्रॉपरली नहीं बोल पा रहा हूँ, तो उसके लिए सॉरी। चलो तो अब एंड करते हैं इस वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब करते जाना, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।